अस्सलाम वालेकुम। ये है हुंडई एसेंट 2016 मॉडल है, डीजल गाड़ी है। और इसमें दिक्कत ये है तुम्हारा, अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। गाड़ी स्टार्ट किया, ये TPMS की लाइट ब्लिंक कर रही है और स्टेबलाइजिंग की ब्लिंक कर रही है, ABS की ब्लिंक कर रही है और ये स्टेयरिंग की ब्लिंक कर रही है। ठीक है, ये देखिए स्टेयरिंग भी ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो गाड़ी थोड़ा सा स्टेयरिंग इसका हार्ड है, हल्का है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन स्टेयरिंग थोड़ा सा हार्ड है। तो इसको स्कैन करेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। तो इसको हम स्कैन करेंगे, एक मिनट। तो हम पहले डायग्नोस्टिक में जाएंगे, हुंडई सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक रीड विन नंबर रीड करेंगे, ओके करेंगे। इसमें कुछ ABS का ऐसा कुछ मसला आ रहा है, तो कोरिया कोरिया क्लिक करेंगे। D1 इंजन है और ओके करते हैं, यस करते हैं। थोड़ा सा स्टीयरिंग हार्ड रहता है जब चलती है, तो डायग्नोसिस में जाएंगे और कंट्रोल यूनिट। तो ये दिक्कत हमको ABS से लग रही है, क्योंकि ABS पहले चेक करेंगे। तो ABS, क्योंकि ABS की लाइट ब्लिंक कर रही है और स्टेबिलिटी यूटिलिटी सिस्टम की लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ट्रबल कोड देखेंगे पहले। तो ट्रबल कोड में दिखा रहा है C1203 एक्टिव है, राइट फ्रंट व्हील सेंसर VSS सर्किट शॉर्ट आर ओपन, यानी कि तो इसको हम क्लियर करेंगे पहले, यस यस। तो कोड ये क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि इसमें फॉल्ट है, या तो सॉकेट निकला है या तो राइट साइड का स्पीड वाला सेंसर ख़राब है। एक मिनट, हम क्या करेंगे, इसका लाइव डाटा देखेंगे। लाइव डाटा देखने से हमको फ़ायदा रहता है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा सेंसर ख़राब है, तो उसको हम आगे पीछे गाड़ी करके, फ्रंट रियर करके, थोड़ा सा मैं इसको टॉप कर देता हूँ, उसके बाद सो सिलेक्टेड। तो एक चीज़ ये थोड़ा नोट करिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्हीकल स्पीड सेंसर लेफ्ट फ्रंट 0 mph, ठीक है, मिल। और ये तुम्हारा व्हील स्पीड सेंसर या राइट साइड जिसका फॉल्ट दिखा रहा है, तो उसमें 157 mph दिखा रहा है व्हील स्पीड सेंसर। ये तुम्हारा राइट रियर लेफ्ट और फ्रंट लेफ्ट, ये सही दिखा रहा है, रियर रियर राइट का सही दिखा रहा है। ये आपका दिक्कत दिखा रहा है ये वाला सिर्फ सेंसर, तुम्हारा फ्रंट। तो एक मिनट, हम गाड़ी जो है आगे पीछे करते हैं। गाड़ी करेंगे थोड़ा सा आगे, इसमें आप देखते रहिएगा थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा मैं पीछे कर रहा हूँ गाड़ी, देखिए कौन सा सेंसर कोई बढ़ रहा है, कोई रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए पीछे गाड़ी खड़ी, ज़्यादा हम नहीं कर सकते बाइक। ठीक है, देखिए वो सारे रीडिंग दे रहे हैं, लेकिन वो रीडिंग नहीं दे रहा है। फिर थोड़ा सा आगे करेंगे, आप लोग देखिएगा। तो अब क्या है, यानी कि हमारा ये जो है सेंसर ही दिक्कत कर रहा है, सेंसर दिक्कत कर रहा है, वायरिंग दिक्कत कर रही, क्या कर रहा है ये तो बाहर जाके ही पता चलेगा। तो खोलते हैं इसका बोनेट और देखते हैं बाहर कि क्या दिक्कत है कुछ। ये हमारा सेंसर का वायर किधर है, तो हमारा ये सेंसर का वायर ABS में गया हुआ, ये वाला वायर, ठीक है। तो ये वायर गया हुआ है,
और पहले तो इसका देखेंगे सेंसर का सही है कि जो है इसका वो ख़राब है। मुझे तो ऐसे डाउट लग रहा है सेंसर ही ख़राब है, लेकिन एक बार चेक करते हैं फिर बाद में वीडियो बनाते हैं। ये ख़राब है VSA सेंसर, WSA सेंसर ख़राब है, यानी ये तसलिया से लेके आया, पुराना लेके आया, और ये ख़राब था पूरा, ये लेके आया है दूसरा। ठीक है, तो अभी इसको चेंज करते हैं फिर देखते हैं। मैं चेंज कर दिया हूँ, देख रहा हूँ ज़रा सा फिर से चेक करके। ये देखिए हिस्ट्री में आ गया, यानी कि सही है, क्लियर। यस, नो फॉल्ट। कि अब चला रहे हैं, ठीक है, अब देखिए इसका रीडिंग पूरा बताएगा सही से। ठीक है, पूरा रीडिंग सही बता रहा है। इसका जो है VSS का सेंसर ख़राब था, WSS व्हीकल स्पीड, ठीक है, अब सही है। ये सेंसर यहाँ पे लगा रहता है, ये तुम्हारा जो है, ये सेंसर है, ठीक है, राइट साइड का। ठीक है भैया, बांधता खलास करता।